नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। बिग बॉस 16 से टीना दत्ता बाहर हो चुकी हैं। इस तरह फिनाले से 15 दिन पहले उनका सफर खत्म हो चुका है। टीना ने बाहर आते बिग बॉस के मेकर्स पर गंभीर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। उतरन की इच्छा ने अब एक एक करके सबके कच्चे छुट्टे खोलने शुरू कर दिए हैं। एविक्शन से पहले होस्ट फराह खान ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि वो पूरे सीजन सबको यूज करती रही और घर की असली मास्टरमाइंड टीना दत्ता ही है। टीना दत्ता बिग बॉस 16 से बाहर आने के बाद से काफी चर्चा में बन गई हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने शालिन भनोट और अपने रिश्ते को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने सलमान खान और फराह खान को लेकर काफी कुछ बोला। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने चीजें सीखने में मेरी काफी मदद की है। इसके बाद उन्होंने फराह खान को लेकर बोला। जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में शो में टीना दत्ता को फराह खान ने फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि मुझे फराह मैम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे हर वीकेंड का वार पर डांट पड़ती थी, जिसकी वजह से मैं अपने गेम नहीं खेल पाई। उन्होंने कहा कि ये सब मंडली के फेवर के लिए था और मुझे फराह मैम से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक्ट्रेस ने कहा कि हर वीकेंड का वार पर उन्हें डांट पड़ती थी, जिसके बाद वो सदमे में आ गई थी। वो इतनी दहशत में थी कि अपना गेम भी नहीं खेल पा रही थी। टीना ने बिग बॉस के मेकर्स पर पक्षपात का आरोप लगाया। टीना दत्ता ने कहा कि बिग बॉस भी मंडली की तरफ थे और उनके साथ काफी पक्षपात हुआ है। निमृत कौर को सब कुछ प्लेट में सजा कर मिला। उसे पहले टिकट टू फिनाले दिया गया और फिर नॉमिनेशन से भी बचा लिया गया। बिग बॉस में हर टास्क इतनी चालाकी से रखा गया कि हम कभी निमृत से टिकट टू फिनाले छीन भी नहीं सकते थे। आपसी सहमति कभी बनती ही नहीं थी, क्योंकि वो ही लोक संख्या में ज्यादा थे तो वही जीतते थे। उन्होंने आगे कहा कि ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि मंडली को फायदा हो सके। टीना ने शालिन पर भी उनकी इमेज खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो बाहर कभी भी शालिन भनोट से मिलना पसंद नहीं करेंगी। बता दें कि टीना के जाने के बाद घर में शालिन डांस करते हुए नजर आए थे। दुख सिर्फ टीना के दोस्त प्रियंका को हुआ था। आपको बता दें कि टीना के बेघर होने के बाद शालिन भनोट घर में नाचते और गाते हुए नजर आए, तो प्रियंका और अर्चना के शिव स्टैंड से लड़ाई हो गई। मेकर्स की ओर से शो का नया प्रोमो जारी किया गया है, जिसमें गार्डन एरिया में शालिन, शिव, एमसी स्टैंड और निमृत के साथ बैठे होते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि पहले मैं बहुत उदास था और अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। शालिन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके साथ वो कैप्टन रूम में काउच पर चढ़कर डांस करते हैं, जिसमें एमसी स्टैंड उनका साथ देते हैं। फिर वो झाड़ू लगाते हुए भी गाते हैं और नाचते दिखाई देते हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि टीना के एलिमिनेशन होने के बाद से शालिन काफी खुश नजर आए। सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस 16 से टीना दत्ता बाहर हो गई हैं। टीना के बिग बॉस शो से बाहर होने से उनके फैंस काफी हैरान नजर आ रहे हैं। टीना दत्ता को शो से बाहर किए जाने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ।